बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं इसको हम। आज इसमें हम एक्सरसाइज 10 डी देखेंगे। इससे सभी प्रीवियस लेक्चर्स, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन सभी हमने कंप्लीट कराए हैं, तो आपको उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर नंबर 10 की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। उसी में ही आपका अवेलेबल है सभी आपके लेक्चर्स, तो आप वहां से सभी लेक्चर्स के देख सकते हो। आज इसमें एक्सरसाइज 10 डी देखेंगे। ऑलरेडी हम वैसे इसको प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन वो ओल्ड लेक्चर है हमारा, इसको हम न्यू लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पर हम, और इस पर देखेंगे आज इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। और सबसे पहले समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इस एक्सरसाइज का। देखो, एग्जाम में देखा गया है कि अभी क्वेश्चन इतने ज्यादा आ नहीं रहे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल एप्लीकेशन हमारी आ रही है सिर्फ किसमें, एपी और जीपी में, तो एप्लीकेशन में ये क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। अब अगर हम इनको देखें कि इसका बेसिक क्या कहता है, देखो इस एक्सरसाइज में बेसिकली आप क्या देखोगे, जैसे कि आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है और हम क्वेश्चन रीड करते हैं, जैसे ये है सेकंड वाला क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि फाइंड द थ्री नंबर्स इन एपी, एपी में थ्री नंबर्स आपको फाइंड करने हो, सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो बोलेगा कि फाइंड थ्री नंबर्स, फाइंड फोर नंबर्स, फाइंड फाइव नंबर्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि डिवाइड 96 इंटू फोर पार्ट, इस टाइप से। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे, तब हम क्या करते हैं और नंबर हम एपी में किस टाइप से लेट करते हैं, उसी को समझने वाले हैं। देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एपी में आपको थ्री नंबर लेट कर सकते हो, आप लेट करने हैं आपको, तो आप ये भी लेट कर सकते हो, ए प्लस डी ए आर, तो हमारा किस में आता है, आर किस में आता है, जीपी में, ए प्लस डी, और ये क्या आता है हमारा, ए माइनस डी। इस टाइप से आप थ्री नंबर लेट कर सकते हो। क्या यहाँ पर होगा, ए प्लस टू डी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये जनरल टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, ये हमने बेसिक में आपको बताया, ये हमारे पास थ्री टर्म्स होती हैं। लेकिन अगर आपने ये थ्री टर्म्स लेट की किस क्वेश्चन में, जैसे हम क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपने ये टर्म्स लेट की, तो ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा। अभी हम इसको करेंगे और बताएंगे आपको क्यों होगा टफ। ओके, तो अब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि भी हमेशा जीपी मतलब एपी में आपको नंबर कैसे लेट करने हैं। अगर वो बोले थ्री नंबर्स लेट करने, तो आपको कैसे लेट करने, देखो थ्री नंबर्स कैसे लेट करने, एक करना है ए, एक करना है इससे पहले ए माइनस डी, और एक करना है इसके बाद ए प्लस डी। ओके, अगर वो बोले फाइव नंबर्स लेट करने हैं, तब आपको लेट करना है ए, इससे पहले दो नंबर ए माइनस डी एंड ए प्लस टू डी, मीन्स इससे पहले टू टर्म्स हम लेट करेंगे, सॉरी यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर इंक्रीज होगा ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। अब आप इनको चेक कर सकते हो कि ये एपी है, ये भी एपी फॉर्म कर रहा है, ये भी एपी फॉर्म कर रहा है, कैसे, आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देख लो, डी आएगा, इन दोनों कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखो, डी आएगा। अगर आप ए में से इसको माइनस करते हो, भाई अगर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, और ये हमारा थर्ड टर्म है, अगर आप डी फाइंड कर रहे हो, तो कैसे फाइंड करते हो, ए टी माइनस ए वन से, ए टू कितना है, ए माइनस ए वन करेंगे, ए वन है हमारा ए माइनस डी, माइनस साइन अंदर एंटर करेगा, प्लस हो जाएगा, देखो डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है, आप इन दोनों को माइनस कर लो, डी मिलेगी। ऐसे आप सेम इनमें कर लो आप, जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब हमने इसी टाइप से ही क्यों लेट किया है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा कि भाई इस टाइप से लेट करने से क्या बेनिफिट है। फाइव नंबर आपको इस टाइप से लेट करने, सेवन होता तो भाई यहाँ पर ए माइनस थ्री डी लेते और यहाँ पर ए प्लस थ्री डी लेते। ओके, लेकिन अगर वो इवन नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है कि फोर नंबर, ठीक है, या फिर सिक्स नंबर, इस टाइप से सिक्स आपको टर्म सेलेक्ट करने हैं, फोर टर्म सेलेक्ट करने, तब क्या करेंगे, अगर आपको करने इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट जैसे फोर, तो आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, एक एक टर्म्स को स्किप करोगे, अब ए से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, ए को स्किप करेंगे, इसके बाद फिर इसको स्किप करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर इसको स्किप करेंगे, मीन्स देखो आप कि अगर आप ए को स्किप कर रहे हो, इसको स्किप कर रहे हो, इसको स्किप कर रहे हो, तो मिल रहा क्या आपको, ए प्लस डी ए माइनस डी, मीन्स कि अगर आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स सेलेक्ट करने, तो आप किससे स्टार्ट करोगे, ए माइनस डी और ए प्लस डी से, टू टर्म्स आप ये बीच वाले ये होंगे हमारे, इसके बाद जो टर्म होगा वो होगा ए प्लस थ्री डी, और इसके पहले जो टर्म होगा वो होगा ए माइनस थ्री डी। अब ऐसा ही क्यों लेट किया हमने, देखो ऐसा हम इसलिए लेट करते हैं क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ डी वाली वैल्यूज इक्वल आ जाए, जितनी ही माइनस में डी वाली वैल्यू उतनी ही प्लस में डी वाली वैल्यू, यहाँ पर भी देखो जितनी ही माइनस में डी वाली वैल्यू है, ये माइनस में डी, ये माइनस में डी, तो ये प्लस में डी, ये प्लस में डी, ऐसी सेम यहाँ पर, जिससे कि हमारा डी कैंसिल हो। इवन वाले हमने क्या फंडा लिया, देखो आप एक एक टर्म यहाँ पर क्या कर रहे हो, मिस कर रहे हो, जैसे ये वाला टर्म मिस किया हमने, ये वाला टर्म मिस किया, ये वाला, तो बचा गया हमारे पास ए माइनस डी ए प्लस डी। जैसे इसके बाद क्या आता है ए प्लस थ्री डी, तो हमने ए प्लस थ्री डी लिया है, जैसे इसके बाद इससे पहले क्या आता है ए माइनस थ्री डी, तो आपने ए माइनस थ्री डी लिया है। अब आप इनका डी फाइंड करके देख लो, इनका डी भी सेम आएगा, लेकिन डी नहीं होगा,
क्या होगा इनका अगर हम डिफाइन करेंगे। देखो अगर आप इसे डिफाइन कर रहे हो, ये आप ले रहे हो फर्स्ट टर्म और ये ले रहे हो आप सेकंड टर्म, कितना आ रहा है देखो डी। फर्स्ट टर्म है हमारा ये ए माइनस डी माइनस सेकेंड टर्म है हमारा ए माइनस थ्री डी। ओके यहाँ पर कितना आएगा ए माइनस डी एन ए माइनस ए एन ए माइनस माइनस प्लस थ्री डी, ए से कैंसिल माइनस डी प्लस थ्री डी कितना हो जाएगा टू डी। ओके तो टू डी आ रहा है यहाँ पर, कितना आ रहा है हमारा कॉमन डिफरेंस टू डी। आप इन दोनों को माइनस करके देख लो टू डी आएगा। देखो ए थ्री ये थर्ड टर्म है हमारा एन माइनस ए टू क्या ए माइनस डी, आप इनको माइनस करके देख लो टू डी मिलेगा आपको। डी माइनस ए प्लस डी माइनस माइनस एन कैंसिल, ये भी टू डी मिल रहा है आपको। ओके तो इस टाइप से आपको टर्म्स लेट करने हैं, समझ गए आप कि भी थ्री टर्म्स लेट करने हैं तो क्या लेट करेंगे हम। अगर हमें थ्री टर्म्स लेट करने हैं तो हम क्या लेट करेंगे ए, ए से स्टार्ट करेंगे और ए से पहले एक टर्म क्या लेंगे हम ए माइनस डी, ए माइनस डी और ए के बाद क्या लेंगे ए प्लस डी। अगर वो फाइव टर्म्स कह रहा है तो भी इसी में एक एक टर्म ऐड कर देंगे हम, ए के बाद ए प्लस डी ए प्लस टू डी। ऐसे यहाँ पर ए से पहले ए माइनस डी एंड ए से पहले ए माइनस टू डी, इस टाइप से। ऐसे इवन नंबर ऑफ टर्म्स कह रहा है तो आपको ये दोनों टर्म्स मीन्स ए माइनस डी और ए प्लस डी से स्टार्टिंग करनी है, ए माइनस डी ए प्लस डी। लेकिन ए प्लस डी के बाद ए प्लस टू डी नहीं लेना, क्या लेना है ए प्लस थ्री डी। अगर आप ए प्लस टू डी लोगे तो वो ए पी फॉर्म ही नहीं करेगा, यहाँ पर ए माइनस थ्री डी, इस टाइप से। फोर टर्म्स हैं, सिक्स टर्म्स बोले तो आप ए माइनस डी ए प्लस डी से स्टार्ट करोगे, लेकिन ए प्लस डी के बाद ए प्लस टू डी नहीं लेंगे, क्या लेंगे ए प्लस थ्री डी। एक एक टर्म जैसे हम ये जो ओड वाले हैं इसमें एक एक टर्म्स को हम मिस करते हुए चलते हैं। यहाँ पर अगर हम एक और टर्म लेंगे क्या होगा, सिक्स टर्म्स है हमारे पास तो ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी हो गया एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा ए प्लस फाइव डी, फोर डी छोड़। ऐसे ए माइनस डी से पहले क्या होगा ए माइनस थ्री डी और इससे पहले और क्या होगा ए माइनस फाइव डी। एक टर्म छोड़ रहे हैं फोर वाला, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसमें क्या होता है हमारा जितने ही माइनस में डी होते हैं उतने ही प्लस में डी होते हैं और ये कैंसिल हो जाते हैं जब हम इस क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसका, अब इसके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इसे हम ऑलरेडी करा चुके हैं, आप एमसीक्यू वाली जो सीरीज है हमारी उसमें देख सकते हो या फिर इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आपको इसके एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। आज हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर टू। इसमें अगर हम इसमें क्वेश्चन नंबर टू देखें तो क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर टू में आपसे बोल रहा है कि फाइंड थ्री नंबर्स इन एपी। आप एपी में थ्री नंबर्स फाइंड करने हैं आपको, हूज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। अगर आपको थ्री नंबर्स लेट करने हैं तो लेट करेंगे हम थ्री नंबर्स भी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। ओके अब इसका देखो क्या बेनिफिट है, ये कह रहा है कि हूज सम इज 24। अगर हम इनका सम करें, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म फिर ये सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म, अगर आप इन सभी का सम करोगे तो 24 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा a माइनस डी ए एंड ये a प्लस डी, डी से डी कैंसिल हो जाएगा 3a इक्वल्स टू में 24 चल रहा है, a की वैल्यू हो जाएगी 8, a इक्वल्स टू 8 हो गया। और इसी में आगे बोल रहा है कि हूज प्रोडक्ट इज 440। अगर इन सभी का प्रोडक्ट करोगे a माइनस डी a मल्टीप्लाई है और यहाँ पर ही क्या a प्लस डी, इन सभी का अगर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 440 मिलेगा। अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे ए के प्लेस पर 8 या फिर डी, ए के प्लेस पर 8 फिर यहाँ पर ए के प्लेस पर 8 प्लस डी इक्वल्स टू में 440। ओके आप इन्हें सोल्व कर लो, ये जो 8 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले गया सबसे पहले और यहाँ पर ये 8 माइनस डी एंड यहाँ पर ये 8 प्लस डी। और अगर हम इसे 8 से डिवाइड कर देते हैं, देखो 8 इधर लेके आते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा 8 5 से 40 55 आ रहा है। आप यहाँ पर देखो ध्यान से a माइनस डी ए प्लस डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो सिंपली और ये हो गया 55। अब यहाँ पर ये 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 55, 64 माइनस में 55 कर दो आप इज इक्वल्स टू में डी स्क्वायर। अब आप माइनस करोगे इसमें 5 4 9 इज इक्वल्स टू में डी स्क्वायर, स्क्वायर टाइम स्क्वायर रूट ये जाएगी वैल्यू प्लस माइनस 3। डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी, दोनों ही वैलिड होती हैं। देन हमारे पास एपी क्या फॉर्म होगी, देखो मीन्स थ्री टर्म्स क्या होंगे, ए की वैल्यू है 8 हमारे पास और डी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर टू कंडीशंस फॉर्म होती हैं कि इफ ए इज इक्वल्स टू 8 एंड डी इज इक्वल्स टू 3, अगर हम डी पॉजिटिव 3 कर लें देन हमारे पास ये नंबर्स ये हैं हमारे पास जो हमने लेट किए हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा ए माइनस डी क्या होगा 8 माइनस 3 मीन्स 5, सेकेंड टर्म है ए इज इक्वल्स टू क्या 8, थर्ड टर्म है 8
ए प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है एट और प्लस डी की वैल्यू क्या है थ्री, तो ये कितना हो गया इलेवन, पर ये फाइव, यहाँ पर ये एट और यहाँ पर ये इलेवन। ओके तो ये टर्म्स हो गए फाइव एट इलेवन। ओके नेक्स्ट ऑल्सो ए इज इक्वल्स टू एट एंड डी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, इफ डी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री देन टर्म्स क्या होंगे, ए माइनस डी के प्लेस पे आप लोगे एट माइनस ऑफ माइनस थ्री, क्योंकि डी की वैल्यू माइनस थ्री है, तो यहाँ पर एट प्लस थ्री हो जाएगा इलेवन, मीन्स ये रिवर्स हो जाएंगे टर्म्स, पहले थ्री फाइव एट इलेवन आ रहा है, अब कितना आएगा इलेवन एट एंड फाइव। ए की वैल्यू सेम ही रहने वाली है भाई हमारी, ए की वैल्यू यहाँ पर जो हमने किया सोल्व ए माइनस डी क्या ए इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा एट है, तो एट ही रहेगा ये, एंड ए प्लस डी क्या होगा देखो एट प्लस डी की वैल्यू माइनस थ्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस एट माइनस थ्री कितना हो जाएगा फाइव, सिंपल ही होगा हमारा फाइव, ये करना है आपको। ये हो गई हमारी टर्म्स फाइन, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम करते किसकी हेल्प से कि भी हम इसमें थ्री टर्म्स किस टाइप से सेलेक्ट कर लेते हैं, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, जैसे हम जनरल टर्म लेते हैं ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी करके अगर आप इसे करते इसका थर्ड टर्म हो जाता, और इन थ्री टर्म्स का आप अगर सम करते फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो देखो आपको मिलता क्या, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑल थ्री टर्म्स क्या है 24 है, यहाँ पर हम 24 लेते हैं 24, यहाँ पर ये ए ए और ए थ्री ए हो जाता, एंड ये डी एंड टू डी ये कितना हो जाता 3d इक्वल्स टू में 24, थ्री कॉमन लेते आप ए प्लस डी और थ्री से डिवाइड कर देते 3 4, तो फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होती, फिर कह रहा है इन सभी का प्रोडक्ट ए ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा आपको करने में, कितना आ रहा है 440 आ रहा है। अब क्या करें भाई, हमारे पास सिर्फ रिलेशन है ए प्लस डी इजिकल टू एट, यहाँ पर है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी इजिकल्स टू 440, अब क्या करना चाहिए हमें इसका यूज़ करने के लिए, तो आप ए प्लस डी के प्लेस पर डायरेक्ट एट पुट कर सकते हो, फिर आप क्या कर लो अगर आप इसे डी में ही चेंज करना चाह रहे हो तो डी ए की वैल्यू एट माइनस डी रख लो, ए के प्लेस पर क्या रख सकते हो एट माइनस डी, क्योंकि यहाँ से ए इज इक्वल्स टू क्या होगा एट माइनस डी, इससे होगा क्या कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंप्लीट इक्वेशन डी में नहीं कर सकते, क्यों इसे करेंगे ए में, क्योंकि पहली बार पहले ही हमारे पास ए ऑलरेडी है, हमारा यहाँ पर ए ऑलरेडी है बाहर, ए में क्वाड्रेटिक बनेगी टू, और डी के प्लेस पर करेंगे इस बार क्या करेंगे डी को उधर ही रहने देते हैं ए को उधर लेके आते हैं, यहाँ पर एट माइनस ए बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर ये हो जाएगा और भी टफ क्वेश्चन, एट से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए बच रहा है, और यहाँ पर ए प्लस टू एट या 16 माइनस टू ए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 55, यहाँ पर आप क्या करोगे ए और माइनस टू ए कितना हो रहा है माइनस ए इजिकल्स टू 55, ए से मल्टीप्लाई कर लो 16 ए माइनस ए स्क्वायर इजिकल्स टू 55, एंड यहाँ पर क्या होगा इधर जीरो ले लेते हैं तो ए स्क्वायर इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का 16 ए माइनस का 16 ए होगा प्लस 55, अब आपको 55 के फैक्टर करने हैं, प्लस करने पर क्या है 16 है, अब पहले आप 55 के फैक्टर करो 11 प्लस 5, फिर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही, तो ये टफ हो जाएगा क्वेश्चन अगर आप इस वे में करोगे, इसीलिए हमें क्या करना है किस वे में करना है सोल्व। ओके तो आपको ऐसे करना है, ऐसे भी आप कर सकते हो वैसे, तो यहाँ से भी ए की वैल्यू टू वैल्यू आ जाएंगी, अगर हम इसमें देखें ए ए स्क्वायर माइनस का कितना हो रहा है 11 ए माइनस 5 ए प्लस 55, टू वैल्यूज आ रही हैं ए की, ए कॉमन लेंगे ए माइनस 11 माइनस 5 कॉमन लेंगे ए माइनस 11, यहाँ से आ रही है ए की वैल्यू ए माइनस 11 ए माइनस 5, ए की वैल्यू 11 भी आ रही है और ए की वैल्यू 5 भी आ रही है, तो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी इफ ए इज इक्वल्स टू 11 एंड डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा डी इज इक्वल्स टू कितना आएगा डी इज इक्वल्स टू है 8 माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 कितना होगा माइनस 3, डी इज इक्वल्स टू माइनस 3 लेना पड़ेगा, फिर अगर हम ए इज इक्वल्स टू 11 लेंगे टर्म्स क्या हो जाएंगे ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी है, यहाँ पर क्या होगा ए की वैल्यू 11 माइनस डी की वैल्यू माइनस 3, तो फिर ये बिल्कुल चेंज ही आ रही है वैल्यू, तो 8 माइनस ए है डी की वैल्यू, ए की वैल्यू अगर हम 11 लेते हैं तो भाई ये तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री आ रहा है, ये हमारा 14 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 11 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए डी की वैल्यू माइनस थ्री कितना होगा 8,
यहाँ पर देखो 3-3 का डिफरेंस आ रहा है, वैसे यहाँ पर भी एपी, तो ये भी फॉर्म हो रही है, एपी ये भी फॉर्म हो रही है, लेकिन इन सभी का प्रोडक्ट भी 440 आना चाहिए। क्या इन सभी का प्रोडक्ट भी 440 आ रहा है? यहाँ 152 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 to 16 नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। देखो अगर हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं इन सभी का, ये एपी तो फॉर्म कर रहे हैं ठीक है, लेकिन इन सभी का सम भी कितना आना चाहिए? अगर हम देखें तो इन सभी का सम भी 24 आना चाहिए, 24 आ रहा है? नहीं आ रहा, सम भी 24 नहीं आ रहा, तो फुलफिल ही नहीं कर रहा फिर, तो फुलफिल ही नहीं कर रहा इस कंडीशन को। तो फिर करना तो चाहिए ये, लेकिन कर नहीं रहा है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं हो पा रहा है। तो भाई इस वे में हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है इसमें, इसलिए आपको सिंपल कैसे करना है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा कि आप 3 टर्म्स लेट करोगे, क्या ए ए माइनस डी ए प्लस डी, हम 3 टर्म्स लेट की ए ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर इन सभी का सम कर रहे हैं 24, यहाँ से रिलेशन मिल गया डायरेक्ट ए इज इक्वल्स टू 8, ए इज इक्वल्स टू 8 मिल गया, फिर करा इन सभी का प्रोडक्ट, इन सभी का प्रोडक्ट करके हमने पुट किया ए इज इक्वल्स टू 8, ए के प्लेस पर क्या पुट किया 8, देन हमने डी की वैल्यू फाइंड की, 2 वैल्यूज आ रही है डी की प्लस माइनस 3, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं। देखो आप इन सभी का सम कर लो 24 आ रहा है, प्रोडक्ट कर लो कितना आ रहा है 540 ही आ रहा है सभी जगह पे, 440 सॉरी। ओके तो ये हो गया इसका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, ये हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स, इस बार भी थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स बोल रहा है, तो यहाँ पर भी हम लेट करेंगे 3 टर्म्स, क्या लेट 3 टर्म्स भी ए ए माइनस डी ए प्लस डी, ये हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, देन ये कह रहा है कि सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21, इन सभी का सम कर लो आप ए माइनस डी प्लस ए और प्लस ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म, इन सभी का सम कितना है 21। अब देखो यहाँ पर डी से डी कैंसिल हो जाएगा और 3 इज इक्वल्स टू 21, देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये ए की वैल्यू हो गई। सेम ही कह रहा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165, इनके स्क्वायर्स का सम 165 है, मीन्स सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसका भी स्क्वायर कर दो प्लस इसका भी स्क्वायर कर दो प्लस यहाँ पर ए प्लस डी का भी स्क्वायर कर दो, ये कितना आ रहा है 165। अब यहाँ पर आप ए की वैल्यू अगर 7 रखते हो माइनस डी होल स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पर क्या रखना है 7 और होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी ए के प्लेस पर 7 प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 165, ये आ रहा है। अब आप इसका होल स्क्वायर सोल्व करो, ए स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ab, जब हम करेंगे तो 2 इंटू ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है डी है, 2ab ये आ रहा है हमारा 14d प्लस 49, 7 7 जो 49 प्लस, फिर इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे इक्वल्स टू 165, 14d से 14d कैंसिल, डी स्क्वायर 2d स्क्वायर हो जाएगा, 49 49 एंड 49 इन सभी को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे इधर लाकर, कितना होगा 49 150 होता है, 3 और कम कर देंगे इसमें 147। अब आप यहाँ पर करो 2d स्क्वायर इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 3 और ये 18 आ रहा है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर d की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस, स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस 3, अब यहाँ पर प्लस माइनस 3 हो गया, यहाँ पर वही लेंगे हम कि इफ डी इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं प्लस 3, देन क्या होगा हमारा, तो ये इम्प्लाई करेगा हमारा ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू है हमारे पास ऑल्सो हम फाइंड कर चुके हैं ए इज इक्वल्स टू 7, इफ डी इज इक्वल्स टू 3 एंड ए इज इक्वल्स टू 7 लेने अगर हम कितना आएगा, ए इज इक्वल्स टू 7 ही आ रहा है ठीक है, देन हमारी टर्म्स क्या होंगी, हमारे पास टर्म्स क्या होंगी, एक है हमारे पास ए माइनस डी, फिर ए और फिर है ए प्लस डी, ए की वैल्यू 7 माइनस डी की वैल्यू 3 कितना आ जाएगा 4, ए की वैल्यू 7 और यहाँ पर 7 प्लस 3 या फिर हम कह सकते हैं 3 प्लस 7, सॉरी 7 प्लस 3 बोलेंगे क्योंकि ए की वैल्यू 7 है एंड डी की वैल्यू क्या 3, कितना हो जाएगा 10, 4 7 10 ए पी है क्या, यस 4 7 10 ए पी है, 3 3 का डिफरेंस है, क्या इन सभी का सम वही आ रहा है जो हमसे बोल रहा था 21 आ रहा है, यस इन सभी का सम 21 आ रहा है, इन सभी का सम 21 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर करके 165 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके 165 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके नहीं इनके स्क्वायर्स का सम करके कि मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मीन्स इन सभी का
स्क्वायर का सम 165 आना चाहिए। आ रहा है? यस, ये 16 है, 49 है और ये 100 है। ओके, सम भी हमारा 165 आ रहा है स्क्वायर का सम। ओके, नेक्स्ट में इसमें कंडीशन बनती है कि ऑल्सो इफ ए इज इक्वल्स टू -3, ए की वैल्यू तो +7 फिक्स है स्टार्टिंग में, जब हमने फाइंड की ए की वैल्यू +7 फिक्स है, एंड बी की वैल्यू अगर हम इस बार -3 लेते हैं, देन हमारा क्या होगा, ए माइनस डी क्या होगा, ए माइनस डी, ए की वैल्यू 7 माइनस डी की वैल्यू -3, ये हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की वैल्यू है 7 एंड ए प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 7 प्लस डी की वैल्यू -3, 7 माइनस 3 कितना होगा 4, यहाँ पर 10, यहाँ पर 7 ये 4। ओके, सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। इसमें बोल रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द एपी। क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं? क्वाड्रिलेटरल में होंगे हमारे 4 एंगल्स, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमारा 4 साइडेड पॉलीगन होता है। अभी बोल रहा है विद कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री। अब इनका कॉमन डिफरेंस है 20 डिग्री, फाइंड इट्स एंगल। अब आप बताओ कि आप इन्हें कैसे फाइंड करोगे। देखो अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर आपके पास 4 नंबर्स हैं और वो क्या है हमारे, वो सभी क्या है एपी में है, तो आप इन्हें लेट कर सकते हो कैसे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी से आगे हम क्या लेट करेंगे, ए प्लस 2d लेट नहीं करेंगे, ए प्लस 3d लेंगे, और इससे पहले क्या लेंगे, ए माइनस 3d। ओके, अब इसकी हेल्प से देखो कैसे इजी हो जाएगा ये, कि आप अगर इन सभी का सम करोगे, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, 360। ट्रायंगल में सम 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, सम 360 होता है, इक्वल्स टू में 360। अब आप कर लो आप इन सभी का सम, देखो सम करेंगे तो माइनस 3d प्लस 3d और प्लस d माइनस d कैंसिल, क्या बेनिफिट हो गया इससे, देखो a की वैल्यू आ गई हमारी, ये हमारे पास 4a हो जाएगा, a a 4 टाइम्स हमारे पास 4a और यहाँ पर 360। इसका मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 4 9 36 मीन्स 90। ओके, a की वैल्यू 90 आ गई। अब हमें d कैसे फाइंड करना पड़ेगा, देखो d का इसमें बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है 20 है, लेकिन आप इन दोनों का किसी भी मीन्स एनी टर्म्स का अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे, यहाँ पर अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हो ए टू माइनस ए वन से करते हो अगर, तो क्या मिलेगा, देखो कॉमन डिफरेंस मिलता है इसमें 2d। कैसे कि आप करोगे ए टू, ए टू क्या है हमारे पास ए माइनस डी, ये सेकेंड टर्म हमारा, ये फर्स्ट टर्म क्या है ए माइनस 3d, तो यहाँ पर क्या कर लो माइनस ए माइनस 3d। अब आप इसे कर लो सोल्व, ए माइनस डी, यहाँ माइनस ए और यहाँ पर प्लस 3d, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कितना हो जाएगा 2d, मीन्स हम हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर मीन्स 2d आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है 20 डिग्री। इसका मीन्स डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 से 2 से डिवाइड करेंगे 10, डी की वैल्यू आ गई 10। अब अगर हमारे पास ए और डी मिल गया तो आप इसके सभी एंगल्स फाइंड कर सकते हो। कैसे, सबसे फर्स्ट एंगल अगर हम ए माइनस 3d लेट कर रहे हैं तो कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 90, माइनस 3 और डी की वैल्यू आ रही है 10, कितना आएगा, ये होगा हमारा 90 माइनस 30 कितना होता है 60, ये एंगल हो गया हमारा 60। फिर आप करोगे ए माइनस डी, ए की वैल्यू क्या है हमारी 90, डी की वैल्यू है 10, कितना आएगा 80, देखो 60 के बाद 80, 80 के बाद 100 आएगा और 100 के बाद 120 आ रहा होगा। ए प्लस डी करोगे आप, 90 प्लस 10 करोगे 100 आएगा, डिफरेंस सभी में कितना आ रहा है 20 20 का आ रहा है, और आप ए प्लस 3d चेक कर लो ये कितना आ रहा होगा 120, क्यों कि 90 प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 3 इंटू में 10 मीन्स 30, 90 प्लस 30 कितना होगा, 90 प्लस 30 होगा हमारा 120। ओके, ये होगा हमारा, ये इसके क्या हो गए एंगल्स हो गए 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सिंपल। ऐसे ही सेम आप कर सकते हो इसमें क्वेश्चन नंबर 5। देखो अगर इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोल रहा है डिवाइड 96 इनटू 4 पार्ट्स व्हिच आर इन एपी। 96 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज 15:7। क्या मीनिंग है इसका, देखो सिंपल क्या मीनिंग है इसका, यहाँ पर कह रहा है कि 4 नंबर्स हैं, तो 4 नंबर्स अभी हमने लेट किए कैसे करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d,
तो ये फंडा तो हमें पता चल गया कि हम कैसे लेट कर रहे हैं इनको, ए प्लस डी एंड ए प्लस थ्री डी। ओके, आप इन सभी का सम करोगे आपको कितना मिलेगा 96। ये बोल रहा है कि 96 को ही डिवाइड किया है इसने फोर पार्ट्स में, 96 को ही ब्रेक करके फोर पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो इन सभी का सम कितना होगा, इन सभी का सम होगा 96। ये कैंसिल हो जाएगा डी, माइनस डी प्लस डी बचेगा क्या इसमें, ये फोर टाइम ए इक्वल्स टू में कितना 96। आप क्या करोगे, फोर से डिवाइड करोगे, फोर टू जा एट, फोर फोर जा सिक्सटीन, ए की वैल्यू 24। ऑल्सो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, इनके मीन्स का प्रोडक्ट, मीन्स इनके जो बीच वाली वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट, ए माइनस डी एंड ए प्लस डी, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, इनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट ए माइनस थ्री डी और यहाँ पर ए प्लस थ्री डी। ये क्या होगा, ये होगा 15:7। अब आपको क्या करना है इसमें, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या कर सकते हो, ए के प्लेस पर 24 पुट कर सकते हो, क्योंकि हम ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, 24 माइनस डी एंड यहाँ पर ये 24 प्लस डी। ओके, सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हो इसको, 24 माइनस थ्री डी और यहाँ पर भी 24। वैसे इसको अभी हम ए ही रहने देते तो ए में हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ए इसमें काफी टाइम्स आ रहा है इसमें। तो अगर आप इसको अभी ए की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे, क्योंकि सोल्व जब हमारे से हो नहीं रहा है अभी भी, तो अगर हम इसमें कर लेते हैं ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ पर करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर थ्री डी का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू में 15/7। यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू में 15, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस थ्री डी स्क्वायर करेंगे 9d² होगा। ओके, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7a² माइनस 7d² इक्वल्स टू में 15a² माइनस 59 से कितने होते हैं 135d², ये हो जाएगा सिंपल। अब आप इसे सोल्व करो, अगर आप इसको उधर लेके आओगे 7a² माइनस 15a² इक्वल्स टू 7d² माइनस 135d², यहाँ पर माइनस करेंगे हम कितना आएगा 8a², यहाँ पर करेंगे हम इसमें आएगा पॉजिटिव भी आ रहा है हमारा 5 और 2 और कम हो जाएगा 128d². ओके, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, 8 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 8 बन जाए 8, यस कैंसिल कर सकते हैं। देखो इसको अगर हम करें, यहाँ माइनस a² रह जाएगा, 8 से कैंसिल किया, 8 बन जाए 8, 8 6 जा 48 और यहाँ पर d² ये आ रहा है। और हमारे पास a की वैल्यू है, हम कितनी a की वैल्यू है, a की वैल्यू है हमारे पास 24, तो यहाँ पर 24² इक्वल्स टू में 16d², ये किया हमने, माइनस में आ रही है वैल्यू, माइनस में आ रही है, ठीक है देखते हैं इसमें माइनस में ही आएगी। 24 का स्क्वायर होता है 576 कर लो, या फिर 24 × 24 कर लो 576। अभी जो 16 है इसको हम डिवाइड में लेके आ जाते हैं इक्वल्स टू में d², क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू तो है, हमें d फाइंड करना है। अब इसको कैंसिल करो आप, कितना होगा, इसको कैंसिल करोगे आप, डायरेक्ट 16 से नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर लो, 4 से कर लो, वैसे 16 3 जब 48 होते हैं 48, ये हो जाएगा हमारा, बचेगा कितना 96, 48 16 4 जा 40 16 3 जा 48 एंड ये 96 आ रहा है, 16 4 जा 96 होते हैं, 16 4 जा 96 होते हैं, नहीं 16 4 जा नहीं, 16 6 जा 96 होते हैं, और यहाँ पर d², लेकिन यहाँ पर ये माइनस भी आ रहा है, और माइनस तो भी प्रॉब्लम कर देगा ये, क्यों, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे इसका, नेगेटिव वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा नहीं, रियल नंबर नहीं आएगा, तो इसमें देखो भी माइनस साइन का क्या फंडा चल रहा है, माइनस साइन नहीं आना चाहिए, माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये देखो माइनस साइन कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि देखो 7d² और ये माइनस 135, ये भी माइनस का ही 128 देगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 135 ग्रेटर है। ओके, इसीलिए माइनस से माइनस साइन हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से ये रिमूव होगा। ओके, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर माइनस साइन नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6, इसकी टू वैल्यूज होंगी प्लस माइनस 6। हमें फाइंड क्या करना था, इसमें फाइंड करना था नंबर्स को, तो इसमें हम क्या लेंगे, अब इसमें अगर हम क्या लेते हैं, डी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं और ए की वैल्यू 24 ले लेते हैं, ठीक है, इसमें भी केसेस बन रहे हैं अलग अलग डिफरेंट, कैसे, इफ
ए इज इक्वल्स टू 24 एंड डी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, कितना आ रहा था, 6 प्लस 6 ले लेते हैं पहले हम, और फिर इसमें नंबर्स फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 4 नंबर्स होंगे। पहला नंबर अगर हम फाइंड करें ए माइनस 3 डी, कितना होगा, ए की वैल्यू 24 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू 6, कितना होगा 24 माइनस 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 माइनस 18 हो जाएगा ये 6। ओके, सेकंड वाला नंबर अगर इसमें देखें ए माइनस डी, ए की वैल्यू क्या होगी 24 माइनस डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू 6, तो ये कितना हो जाएगा 18। ओके, ये 18 हो गया। अब हमारे पास देखो 6 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट हमारा कितना होगा 24 होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम फाइंड करेंगे ए प्लस डी, अगर हम फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू 24 प्लस 6, यहाँ पर ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस 6, ये हो गया हमारा 30 हो गया। 30 कैसे हो गए, अगर हम क्या कर रहे हैं इसमें ऐड, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 18 आ रहा है, a माइनस 3d किया, a माइनस d किया 24 माइनस 6, यहाँ पर a प्लस d की वैल्यू कितनी होगी 24 प्लस 6, ये तो 30 आ रही है। ap तो फॉर्म हो ही नहीं रही फिर ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 है 18 है 30 है, 6 18 30 सही है तो डिफरेंस। फिर यहाँ पर होगा हमारा a प्लस 3d, a प्लस 3d में कितना होगा, a की वैल्यू 24 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 6, कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 3 से 18, ये कितना होगा 42। ओके, ये वैल्यूज होंगी इसमें, क्या क्या होंगी वैल्यूज, 6 18 30 एंड ये 42। अब इसी में अगर हम d की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे इसमें हमने पॉजिटिव लिया क्योंकि नेगेटिव भी है, तो यही वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी हमारी। कैसे, इस बार हम क्या ले रहे हैं, इफ a इज इक्वल्स टू 24 एंड d इज इक्वल्स टू माइनस 6, तब हमारी क्या होंगी वैल्यूज, अगर आप a माइनस 3d फाइंड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा 24 प्लस माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू फिर अगेन माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18, ये कितना हो जाएगा 42। फिर हम a माइनस d करेंगे, कितना होगा, a की वैल्यू 24 माइनस d की वैल्यू फिर माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 6, ये हो जाएगा 30। अब ये नेक्स्ट वाली 18 आ रही होगी, देखो a प्लस d फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी 24 प्लस d की वैल्यू माइनस 6, 24 माइनस 6 ये आएगा 18 प्लस का। फिर नेक्स्ट a प्लस 3d, a प्लस 3d, a की वैल्यू 24 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 18, ये हो जाएगा 6 प्लस का। ओके, इस बार ये हमारे पास क्या हो गए टर्म्स, 42, 30, 18 एंड 6। सिंपली इस टाइप से कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आपको। ओके, बस यही इसका यूज है यहाँ पर कि हम नंबर्स को कैसे लेट करना है आपको, किस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप आगे क्वेश्चंस ट्राई करना है, इसमें ओल्ड लेक्चर में आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप आगे क्वेश्चन करना चाह रहे तो ओल्ड लेक्चर की हेल्प भी ले सकते हो आप, वरना हम न्यू लेक्चर में इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।